एक चीज़ जो मुझे पता चली, मुझे नहीं पता थी, कल ही मुझे पता चली जब मैं रिसर्च कर रहा था कि बासिल माशाल्लाह जब से पैदा हुआ है बहुत सारी मीम्स बासिल के ऊपर भी बनी। ये क्या मतलब ये क्या है, ये क्या सीन है? मैं बताता हूँ, पाकिस्तान में ना अभी चीज़ें नहीं होना शुरू हुई हैं, ठीक है। अब YouTube पाकिस्तान में व्लॉगिंग डेली नहीं आई है, हाँ। पहले भी लोग करते हैं, आपको पता है, बाहर के मुल्कों में लोग कर रहे होते हैं और यहाँ पर नहीं हुई थी, ठीक है। एक फैमिली फ्रेंडली व्लॉग्स हैं जो कि घर में टीवी भी देख सकते हो, मोबाइल भी देख सकते हो। अब क्या सीन है कि आप देखते होंगे चैनल्स वगैरह, छोटे बच्चों के लातादार चैनल्स हैं जो कि गोरे बनाते हैं, ठीक है, दुनिया में। इसमें वन ऑफ द टॉप यूट्यूबर्स इन द वर्ल्ड वो बच्चों के चैनल्स हैं। अब यहाँ पर मैंने बच्चों पे स्टार्ट किया, बासिल पे, ठीक है, क्योंकि मैं यूट्यूब से हूँ, मेरा बच्चा आएगा, उसको भी मैं यूट्यूब पे लाऊंगा। क्या मैं उसको साइड पे कर दूंगा? नहीं, स्टार्ट क्या किया, मतलब फीचर करना शुरू किया, हाँ, फीचर करना शुरू किया बच्चे को। वो ऑब्वियसली बातें करूंगा जब मैं डेली व्लॉगर हूँ, वो मेरे घर में है, मेरा ही है, तो मैं तो लूँगा। तो मैंने उसको लेना शुरू किया, लोगों का बैकलैश आया कि भाई इसको क्यों ले रहा है, इसके टाइटल क्यों लगा रहा है, क्या प्रॉब्लम है? उनको पता, यही समझ नहीं आता असल में उनको। नहीं, क्या कॉमेंट आए क्या यार, उनको प्रॉब्लम यही है कि बासिल बासिल कर रहे हो। तो वो बासिल मेरा बच्चा है तो मैं नहीं करूँगा तो क्या मेरा कोई रिश्तेदार करेगा? अगर मेरा बच्चा है, मैंने ही करना है, खत्म हो गई कहानी। मुझे ऑनेस्टली नहीं, क्या है, क्या इशू? मतलब फेसबुक पे बहुत मीम बन रहे थे, पहले तो मुझे बहुत बुरा लग रहा था क्योंकि आपको पता है उसका बच्चा है, क्या करे वो, क्या मतलब इशू? मुझे ऑनेस्टली इशू नहीं समझ में आया, कल से मैं समझने की कोशिश कर रहा था कि प्रॉब्लम नहीं, इशू कुछ भी नहीं है। प्रॉब्लम यही है कि मैं टाइटल्स लगा रहा था अपने बच्चे के, ठीक है, क्योंकि मैं चाहता था कि मैं अपनी ऑडियंस। वो ये कह रहे हैं कि यू यूजिंग योर बेबी एज क्लिक बेट। यानी क्लिक बेट तो नहीं, क्लिक बेट वो है कि उसके अंदर बेबी ना हो और मैं बेबी का डाटा लगा रहा हूँ, या तो मेरा बेबी नहीं हुआ और मैं बेबी बेबी कर रहा हूँ, हाँ। क्लिक बेट वो है। इशू इस बात से था कि हम लोग बोल रहे थे, हम लोग जैसे फर्स्ट टाइम कोई माँ बाप बनता है तो उनको चीज़ें बतानी होती हैं, मतलब हम लोग घर में भी, खानदान में अगर वीडियो नहीं भी बनाते तो बताते हैं। आज हमारे बच्चे कंटेंट क्रिएटर्स हैं, हाँ, ये बताते हैं, मदर्स बहुत सारे ये व्लॉग्स बनाती हैं और एक होती है। और अच्छी बात है, लोगों को करना चाहिए। देखिए, एक आपके पास प्लेटफॉर्म है तो आप करो, आप क्यों किसी की वजह से नहीं कर रहे हो कि मेरा खानदान में क्या बोलेगा? इस एंगल से देखें कि न्यू पेरेंट्स, हाँ, अपनी जो पेरेंटहुड में एंटर हुए हैं, yes, वेरी यंग, yes, 22-21 साल के ये लड़का लड़की पेरेंट्स बन गए हैं और अब ये 23 साल के, तो अब ये अपनी पेरेंटहुड के बारे में आपसे अगर शेयर करें, क्या चैलेंजेस होते हैं, क्या प्रॉब्लम होते हैं, बुरा क्या है? बुरा कुछ भी नहीं है, कुछ बस वो शायद लोगों को अच्छा नहीं लगा, लोग अच्छा लगा है बस, लोग जाली, क्योंकि मैंने वो व्लॉग्स देखे नहीं है, सो आई डोंट नो वो लोग जाली। आपने कोई ऐसी बात की? इन्होंने सिंपल व्लॉग है, कुछ भी ऐसा नहीं है, नहीं है ऐसा, जेलिस ही है और कुछ भी नहीं होता। बस यही है कि बाहर वाले अच्छा, बाहर वाले अगर बुरा भी करेंगे ना उसको फिर भी अच्छा बोलोगे, अपने वाले अगर अच्छा करें या बुरा करें तुम उसको बुरा ही बोलोगे, हाँ, बस ये बात है।